उन्नाव बांगरामू चेयरमैन व सभा दोनों गरीबों को भोजन के पैकेट एवं अन्य सामग्री की वितरित। प्रदेश मीडिया प्रभारी क्राइम राम शरण कटियार की रिपोर्ट। बांगरामू आज दिनांक 28 मार्च 2020 को नगर पालिका चेयरमैन इजहार खान गुड्डू ने भारत सरकार के द्वारा 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन की घोषणा पर आम जनमानस की तकलीफों को देखते हुए आज गरीबों को लंच बॉक्स सभासदों के साथ वितरित किए, ताकि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इसी बीच बांगरमू चेयरमैन गरीबों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर बांगरमू नगर पालिका के चेयरमैन ने जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार कर उन्हें वितरित किए हैं। चेयरमैन साहब, नगर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई कमाने वाला नहीं है और वो कहीं तो अकेले हैं, कहीं पर दो लोग हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की है नगर पालिका ने, और आपने अपनी तरफ से कौन सी व्यवस्थाएं की? भैया, हमारे नगर में जो भी लोग हैं उनमें रोज़मर्रा के लोग करीब 40% है जो रोज़ खाने कमाने वाले हैं, और इन परिस्थितियों में वो 40% के आगे बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो डेली कमाने वाले थे, कोई मजदूर थे, कोई किसी दुकान पर लगे हुए, कोई खुंचे वाले हैं, कोई ठेले वाले हैं, कोई ट्राली चलाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई बस का ड्राइवर, कोई ट्रक का ड्राइवर, 40% गरीब तबके के लोग यहाँ पे डेली वेज के लोग हैं। हम नगर पालिका से साफ सफाई, लाइट वगैरह की व्यवस्था देख रहे हैं, तो वहीं अपने पास से अपने सभी यहाँ के सहयोगी, हमारे जो सभासद साथी हैं, इनके सहयोग से जिस दिन से लॉकडाउन किया गया है उसके दूसरे दिन से हम लोग की भोजन व्यवस्था लगातार जलकल कार्यालय में बन करके लोगों के बीच में जा रही है। अभी अभी एक गरीब परिवार था, हम उसको भी भोजन दे करके आ रहे हैं, और यही हम चाह रहे हैं कि इन गरीबों का किसी तरीके से, जब तक कि लॉकडाउन रहे, किसी तरीके से इनका पेट जरूर भरता रहे। इसके लिए और भी जो प्रयास होंगे हमारे सहयोगी जो करते रहेंगे, ये हम अपना नाम वो करने के लिए नहीं, लेकिन इस समय एक दिल की आवाज़ है, उस दिल की आवाज़ के साथ चल करके इन गरीबों की मदद कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, इस टाइम देश की जनता को और अपने नगर की जनता को? देश की जनता तो हमारे मोदी जी का संदेश चल ही रहा है, हमारे योगी जी का भी संदेश चल रहा है, लेकिन हम अपने नगर के लोगों से एक एक से निकल के ये जरूर कहते रहते हैं कि जो हमारी सरकार ने आदेश किया है वो आदेश सरकार का न मान करके उसको आप अपने परिवार का आदेश मान करके अगर आप इन चंद दिनों के लिए, 21 दिन के लिए एकदम लॉकडाउन कर देंगे, तो यकीन माने अगर हम इस महामारी को रोकने में कामयाब हो गए तो हम आगे भविष्य के लिए बहुत कामयाबी के रास्ते खोल देंगे। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा कोई भी छोटा भाई बहन, बेटे के समान जो बच्चे हैं, ये कोई भी रोड के ऊपर ना निकले, बुजुर्ग हमारे घर पे रहें और ज़्यादातर अपने घर पर रह करके ही सरकार का सहयोग करें, यही सबसे बड़ा उनका भी सहयोग है, हमारा भी।